गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका वेलकम है वन शॉर्ट सीरीज के अंदर। और हम लोग अब तक अपने दो लेक्चर पूरे कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के बच्चों। और सरफेस केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एट द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम के हिसाब से। क्वेरीज लगातार आ रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आपको चीज़ें जितनी भी मिले वो फुल्ली टेक्नोलॉजी और यूँ कह सकते हैं आपके फुल्ली इम्पोर्टेंट हो, उसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद वीडियो इसलिए बनाने का मौका मिला कि अब मैं चाहता हूँ कि आप जो लेक्चर हों उसको तसल्ली से उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लें और जो लेक्चर आपको मिल रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस भी कर लें, ताकि वो बार बार आपको देखना नहीं पड़े, ताकि एग्ज़ाम तक आपके हर टॉपिक क्लियर हो जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सारे टॉपिक क्लियर कर दें बच्चों। और आपको भी ये काम करना है कि चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी लोग हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने जो जितने भी नॉन हैं उन लोगों को बता दें चैनल्स के बारे में कि भाई क्रैश कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बच्चे क्या है कि उससे अपने ज़्यादा फायदा उठाएं और उनका सिलेक्शन हो सके, उनके साल भर की जो मेहनत है वो रंग लाए बच्चों। ये केवल आपके लिए किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब खास बात ये है इसके अंदर वन शॉट सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस की आज थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर हमारे पास हो गया था, इसका क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर वन है आपका रुद्रोष्म संपीड़न के लिए असत्य है। मैंने आपको बताया था बच्चों रुद्रोष्म होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या होता है बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर आपको याद है तो एक खास बात मैंने बताई थी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है कि वो एक आइसोलेटेड तरीके का सिस्टम होता है। मैंने बताया था एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जो ना तो हीट लेता है ना देता है। ठीक है बच्चों, तो जब यूँ कह सकते हैं कि रुद्रोष्म असत्य बात करें तो फर्स्ट वाली तो बात ठीक है बिल्कुल, डेल क्यू इक्वल टू जीरो होता है, मैंने बताया था ऊष्मा का मान जीरो होता है। और अगर हम लोग डेल वी का मान की वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये भी क्या होता है जीरो से कम होता है, क्योंकि आपको पता है आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पर डेल ई इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ रखा है और डेल ई इज इक्वल टू क्यू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी डेल वी लिख सकते हैं क्या, तो ये तो जीरो हो गया ना आपका, ये जीरो मान लिया। क्यों क्या होता है रुद्रोष्म के लिए, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यों क्या होता है जीरो होता है। तो अगर पी डेल वी की बात करें हमारे पास में तो क्या होता है बच्चों यहाँ पर डेल ई, तो यहाँ पर कहने मतलब ये है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तीसरा है तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। और ये आगे है ऋणात्मक होती है, ये जो फोर्थ वाला है बच्चों ये आपका सत्य है, क्योंकि जो आपकी डेल ई है वो किसी भी कंडीशन में जो आंतरिक ऊर्जा है वो आपको नेगेटिव नजर नहीं आ रही, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बच्चों फोर्थ वाला आंसर चला जाएगा, ये हो जाएगा रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए असत्य प्रक्रम है कि इसकी जो डेल ई होता है आंतरिक ऊर्जा होती है वो नेगेटिव नहीं होती है पॉजिटिव होती है, बात क्लियर होगी बच्चों। अब इसके बाद में अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन है रुद्रोष्म प्रक्रम रुद्रोष्म दशा में के तहत तंत्र पर 500 कैलोरी कार्य किया जाता है, बताइए क्यू डब्ल्यू तथा डेली का मान क्या है। बच्चों आपको फॉर्मूला याद है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको ऊष्मा गतिकी के अंदर जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बताया था चूंकि बात रुद्रोष्म प्रक्रम की और अभी क्वेश्चन ऊपर जा चुका है तो क्यू का मान तो मेरे पास में क्या हो गया डेल ई इज इक्वल टू क्यू तो जीरो हो गया, तो जीरो को हटा दो आप तो केवल डब्ल्यू आ गया क्या। ठीक है बच्चों, अब ये कहा जा रहा है आपसे कि तंत्र पर कार्य किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था अगर साइन की बात करें तो मैंने बताया था कि अगर तंत्र पर कार्य करते हैं मतलब मेरे लिए कोई कार्य कर रहा तो मैं पॉजिटिव में और मुझे काम करना पड़ेगा। अगर तंत्र खुद काम करता है तो आपको पता है क्या होता है तंत्र खुद काम करता है तो भाई मैं खुद काम करूंगा तो क्या होगा बच्चों एनर्जी लॉस होगी ना, एनर्जी कम होगी तो मतलब माइनस में जाएगी, और यहां पर मुझ पर मेरे लिए कोई काम कर रहा है मुझ पर कोई काम कर रहा है तो एनर्जी मेरे लिए प्लस होगी। तो यूं कह सकते हैं बच्चों डब्ल्यू कितना बता रहा है 500 बता तो डेल ई इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 500 हो गया बच्चों कैलोरी हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू भी 500 हो जाएगी हमारे पास में और डेली की वैल्यू 500 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें क्यू इक्वल टू जीरो बिल्कुल ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू फाइव इक्वल ठीक है, 500 प्लस में क्यों है बच्चों क्योंकि तंत्र क्या होता है तंत्र पर करेगा और डेली भी क्या जाएगा 500 प्लस के अंदर आपका, तो इसमें सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिखा है निम्न आंकड़ों में से सल्फ्यूरिक अम्ल की डेल
25 डिग्री सेल्सियस पर संभवन ऊर्जा का परिकलन। संभवन का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन बच्चों, और हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है जितनी जितनी हीट आपकी लग रही है सबको ऐड कर दो। अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आता है बच्चों, अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 4 कितना हो गया आपका 15, और 4 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 19 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि अगर इस सबको टोटल करोगे, अगर इन सबका सम करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा आपका -193.99 किलो कैलोरी। तो संभवन का मतलब है टोटल फॉर्मेशन में कितनी हीट आपकी लगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हमारे पास में, अगला क्वेश्चन जो नजर आ रहा है आपको वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है बच्चों आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4th। ये हो गया भाई क्वेश्चन ऊपर लो थोड़ा सा, यस क्वेश्चन 4th के बाद 4th है, थोड़ा नीचे लो हल्का सा, यस। यहाँ बात करें, यहाँ है तंत्र को 40 जूल की ऊष्मा दी जाती है। देखो बच्चों जब ऊष्मा दी जाती है मतलब आ रही है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मेरे पास पॉजिटिव हो गया क्या, बिल्कुल सही है। कितनी दे रही है मुझे तंत्र को 40 किलो किलो की ऊष्मा दी जाती है, मतलब मेरे पास में क्यू कितना आ गया प्लस का 40 आ गया। डेली इज इक्वल टू निकालना है। अब क्या कह रहे हैं कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य -8 जूल, तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तो तंत्र द्वारा जब तंत्र खुद काम करेगा, जब तंत्र खुद काम करता है तो मैं, जब मैं खुद काम करूंगा तो क्या होगा नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव कितना है -8 है, -8 खुद वैल्यू ऊपर लेना भैया थोड़ा सा, इसकी वैल्यूज की बात करें हम लोग तो ये टोटल मेरे पास में 8 जूल तो है, मुझे देना पड़ रहा है ठीक है। तो अब थोड़ा नीचे लो इसको एक बार, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन एक बार देख लो कि तंत्र को 40 जूल की ऊष्मा दी तो प्लस का 40 आ गया मेरे पास में, पॉजिटिव कितना आ गया 40 क्या प्लस का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है डेली इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q प्लस क्या होता है W होता है, तो Q पॉजिटिव आ गया 40 क्योंकि तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, वर्क इसका -8 है लेकिन तंत्र द्वारा खुद कार्य किया जा रहा है, माइनस है माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 40 + 8 कितना हो जाएगा आपका 48। ऑप्शन दिखाओ भैया, ऑप्शन के अंदर बात करेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपका 48 जूल आ जाएगा। बात क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है बच्चों, वो अगला क्वेश्चन है 1 अर्घ 1 जूल तथा 1 कैलोरी ऊर्जा, मैं बता चुका हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना। सबसे बड़ा जो होता है बच्चों वो होता है आपका 1 किलो कैलोरी, और मैंने बताया था आपको 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल बताया था ठीक है। 1 किलो कैलोरी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में जूल होता है, और जूल आपको पता है 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ होता है ना, समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा जो यूनिट होगी वो कैलोरी, उसके बाद जूल, उसके बाद में अर्घ, तो सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में क्या है बच्चों कि किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है, मैं बताया ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम के बारे में बताया था मैंने आपको कि क्लोज सिस्टम की खास बात है बच्चों ये कि इसके अंदर क्या होता है मटेरियल तो बाहर आ जा नहीं सकता लेकिन हीट आ जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए आप उबले हुए पानी को किसी बंद पात्र में लगते हो तो पानी तो कम नहीं होगा लेकिन वो ठंडा जरूर, तो हीट का तो आदान प्रदान होता है लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यूं कह सकते हैं द्रव्य ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होगा, यूं कह सकते हैं केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात है ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 7। यह है एक वायुमंडलीय दाब तथा 298 केल्विन दाब एक यौगिक की संभवन ऊष्मा कहलाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है आपसे 180 और 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बच्चों ये आपकी कहलाती है जब जब दोनों चीज 1:1 ली जाती है तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या मानक, ये मानक लिख रहा है, ये मानक है बच्चों आपका ना, मानक संभवन ऊष्मा कहलाएगी, फर्स्ट इसके अंदर आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, रुद्रोष प्रक्रम के लिए सत्य है, आपको बताया भी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है आंसर जाएगा क्योंकि वैल्यू क्या होती है 0 होती है ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है। भैया ऊष्मा क्षेपी मतलब हीट क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बतानी है आपको, यहाँ आपका देख रहे हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है बच्चों। इसके अंदर बात करें तो K+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और आपको पता है जब K+ में कन्वर्ट होता है इसका मतलब आपको पता है कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, क्या आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव के बारे में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, आयनन विभव के बारे में आपने पढ़ा है कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन
निकालने में जितनी ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है क्या बच्चों? और इलेक्ट्रॉन जब किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है तो क्या कहलाएगा आपकी ये? तो ये आपका सी वाला जो आंसर हो जाएगा वो आपके एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ आगे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह तंत्र जो अपने परिवेश से केवल कार्य का विनिमय करता है द्रव्यमान का नहीं अतः कहलाता है। ऊपर लेना भैया। तो इसकी बात कर रहे हैं बच्चों कि अभी वो क्या कर रहा है, केवल कार्य का विनिमय करता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, फिजिक्स का मटेरियल है कि कार्य जो होता है ना, जो वर्क होता है ना, इजिकल टू एनर्जी होता है, कार्य ऊर्जा होता है, कार्य को ऊर्जा के बराबर लिया जाता है और ऊर्जा क्या होती है आपकी ऊष्मा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया वो क्या कर रहा है आपका द्रव्यमान का नहीं ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा? बंद तंत्र कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है तीन टाइप को बताया मैंने सिस्टम को, ओपन सिस्टम जिससे द्रव्यमान और एनर्जी हीट दोनों एक्सचेंज होगी, उसे बताया था आपको क्लोज सिस्टम जिससे केवल और केवल आपका हीट एक्सचेंज होगी लेकिन मैटर या सब्सटेंस एक्सचेंज नहीं होगा, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा और दोनों का एक्सचेंज नहीं होता, तो उसको आइसोलेटेड या विलगित तंत्र कहा जाता है। समझ आ गया? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस नियम नहीं है बच्चों, ये इसको सही कर लेना। ये आपका हैस का नियम, क्या है बच्चों? ये हैस नियम, हैस का नियम जो है बच्चों, यह है आपका हैस का नियम निम्न प्राचल के निर्धारण में उपयोगी है, अभिक्रिया की ऊष्मा, रेट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑल। तो आंसर है बच्चों, जो आपका हैस का नियम है, कोई सी भी रिएक्शन हो जो एक से ज्यादा स्टेप में चल रही हो, सब में हैस का नियम लगता, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आदर्श गैस के समतापी प्रसार के अंतर है। समतापी प्रसार का मतलब समझ रहे हो आप लोग बच्चों? आपका जो डेल क्यू है, डेल टी है, वो क्या है बच्चों? आपको जीरो है, और डेल टी जब जीरो है तो हीट का एक्सचेंज होगा, तो यूँ कह सकते हैं फिर एंथैल्पी क्या रहेगी इसकी? अप्रभावित रहेगी। आदर्श गैस के समतापी प्रसार के अंतर क्या होता है? एंथैल्पी अप्रभावित रहती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक पूर्ण रूप से ढके हुए थर्मस फ्लास्क में, सिंपल सा थर्मस की बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है थर्मस की, तो सिस्टम कौन सा हो गया? ये आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विलगित तंत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रुद्रोष्ण प्रक्रम के अंतर्गत। क्वेश्चन है बच्चों, रुद्रोष्ण प्रक्रम के अंतर्गत, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। रुद्रोष्ण के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? रुद्रोष्ण प्रक्रम के अंतर्गत क्या होता है? डेल क्यू जीरो होता है, जब क्यू जीरो तो पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो क्या होगा इसकी ट्रॉपी क्या होती है बच्चों? अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्यों अपरिवर्तित रहती है? जब क्यू जीरो है, हीट का ही चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? पार्टिकल के अंदर गति नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, क्यू तथा डब्ल्यू दोनों अवस्था फलन, ये है बच्चों? नहीं है। क्या है बच्चों? ये नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका जो क्लास है उसमें बताया था, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अवस्था फलन है। क्यों है बच्चों? क्योंकि आपको पता है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आप मुझे बताओ कि डेल ई अवस्था फलन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बताया था कि केवल क्यू और डब्ल्यू दोनों जो कहते हैं ऊष्मा और कार्य दोनों अवस्था फलन नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है, तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? अवस्था फलन होती है। तो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास में कि भैया वैसे तो ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? यहाँ लिख दिया अपना अवस्था फलन, ठीक है, अवस्था फलन क्या है? नहीं है, और वैसे हैं, तो उपरोक्त दोनों अवस्था फलन नहीं है, और फिर ये बी वाला चला जाए आपका, पहला आ जाएगा आपका अवस्था फलन नहीं, ठीक है, और लास्ट वाले में आ जाएगा आपका है, दो आ जाएंगे, या कॉमा लगा लेना, क्वेश्चन टाइपिंग में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है, तंत्र एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में निम्न दिशा में के अंतर्गत बढ़ता है। मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि कोई भी तंत्र के लिए अगर वो ऑटो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः प्रक्रम है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों आपका डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। और इसमें पढ़ा होगा आपने कि इसका मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल जी का मान देख लो किसमें नेगेटिव है, जीरो से कम क्यों होगा? क्या होगा? नेगेटिव। तो आपका फोर्थ इसके अंदर आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित
क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर आपका अधोलिखित अभिक्रिया में डेल एस का चिन्ह होगा। अधोलिखित मतलब एक रिएक्शन इसमें लिखी नहीं है, रिएक्शन आप लिख लो N2+O2=2NO। एग्जाम में ये कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है N2+O2=नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, ये स्पेशल एग्जाम्पल है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, तो डेल एस का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर इसके अंदर आ जाएगा आपका धनात्मक, सी वाला आंसर इसके अंदर चला जाएगा, धनात्मक होता है बच्चों। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हम लोग बात करें आगे, बात करें बच्चों इसके अंदर आगे, तो ये क्या हो जाएगा, किसी अभिक्रिया का होना असंभव है, मतलब कब रिएक्शन हो ही नहीं सकती, रिएक्शन तो तब होती जब डेल एस का मान नेगेटिव होता है और डेल एस का मान पॉजिटिव होता है। अगर उल्टा कर दोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो डेल एच का मान पॉजिटिव देखो किसके अंदर है, तो इसमें लिखा हुआ है डेल एच क्या हो जाता है, डेल एच हमारे पास में हो जाए पॉजिटिव और डेल एच क्या हो जाए नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन संभव नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको गौर से देखिए। क्वेश्चन है H2O लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, MgCO3 MgO+CO2 से, तो S डेल एस मतलब डेल एस क्या होता है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्रमशः चिन्ह होगा। एंट्रोपी के चिन्ह की बात करा बच्चों, तो एक बार ध्यान आना इंपॉर्टेंट बात है कि देखो बच्चों आपको पता सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैस। एक्चुअल में एंट्रोपी होती क्या, अव्यवस्था को बोलते हैं बच्चों, अव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं, डिस्टर्बनेस को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। जितना ज़्यादा कोई चीज़ डिस्टर्ब होगी उतना ज़्यादा उसमें अव्यवस्था होगी। तो ये आपको पता है बच्चों गैस में सबसे ज़्यादा अव्यवस्था होती है, तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, उसके बाद में होती है लिक्विड की, सबसे कम होती है सॉलिड की। सॉलिड की सबसे कम क्यों, पार्टिकल पास पास होते हैं, लेक्चर में बताया था आपको मैंने, तो पार्टिकल हिल नहीं सकते, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं, तो डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे अगर कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट हो रही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि अव्यवस्थाएं बढ़ रही है, मतलब ये पॉजिटिव लिया जाएगा। लिक्विड से कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी इसके अंदर अव्यवस्था बढ़ रही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैस से कोई लिक्विड में है तो पहले अव्यवस्था ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लिक्विड से कोई सॉलिड में जाए तो और अव्यवस्था कम हो जाएगी सॉलिड में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ मेरे पास में लिक्विड है, मतलब यूँ कह सकता हूँ ये सॉलिड, तो अव्यवस्था मेरे पास में यहाँ ज्यादा थी, लिक्विड में ज्यादा थी सॉलिड में, तो ज्यादा से कम हुआ तो नेगेटिव है ना, ज्यादा से आपके पास पहले ज्यादा था, अब पैसा कम हो गया तो नेगेटिव आएगा। तो यूं कह सकते हैं कि पहले में तो हमें नेगेटिव ले लिया, अब यहाँ सॉलिड था हमारे पास में और बाद में गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब गैस के अंदर कोई कन्वर्ट होता तो बताओ पहले कम था अव्यवस्था, अब अव्यवस्था ज्यादा होगी तो क्या होगा, पहले से बढ़ गया पैसा तो क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो आएगा नेगेटिव और सेकेंड वाला जाएगा आपका पॉजिटिव, तो फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक और धनात्मक। बात समझ में आ गई बच्चों, एंट्रोपी का ध्यान रखना है आपको। एंट्रोपी के बारे में क्या बात बताई मैंने कि भैया एंट्रोपी अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में बदलता है या लिक्विड से गैस में, तो यूं कह सकते हैं अव्यवस्थाएं बदलती है, कणों की दूरी बदलती है, इसलिए अव्यवस्था बदलती है, एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा चलते हैं तो अव्यवस्था घटती है, तो वो नेगेटिव आता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास में सबसे अधिक अव्यवस्थित निकाय है, सिंपल सी बात है, सबसे अधिक अव्यवस्थित निकाय है वायु का 1 मोल, क्योंकि आपको पता है अंदर वायु में बहुत सारे पार्टिकल्स मिल सकते हैं, तो व्यवस्थाएं ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रक्रमों में तंत्र उस दिशा में जाने को प्रवर्तित रहता है जिस दिशा में तंत्र की एंट्रोपी, तो सिस्टम जब भी स्पॉन्टेनियस होगा जब उसकी एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। याद रख लेना, कोई भी सिस्टम जब भी अगर अपना स्वयं हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो उसकी एंट्रोपी सदैव क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में 22, और क्वेश्चन कहता है ऊष्मा शोषित स्वतः प्रक्रम के लिए सत्य है। ऊष्मा शोषित प्रक्रम के लिए अगर इसकी बात करें बच्चों, तो हमारे पास ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो क्या होगा, हीट आएगी बच्चों, हीट आएगी तो व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, तो डेल एस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डेल एस ग्रेटर देन 0। बात समझ आ गई बच्चों। उसके बाद में आता है एसआई सिस्टम में एंट्रोपी का मान, ये होता है बच्चों, यह आता है जूल केल्विन, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों कि एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आपकी होती है डेल क्यू अपॉन टी होता है ना बच्चों, समझ में आया आपको, बताया था उत्क्रमण प्रक्रम के अंदर। और अगर ये CGS में पूछ लेगा तो क्या कहोगे आप लोग, कैलोरी डिग्री इन्वर्स होता है बच्चों इसके अंदर। बात समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया, कैलोरी डिग्री इन्वर्स केल्विन हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ आ जाएगा JK इन्वर्स हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम में
उच्चतम होने के लिए अभिक्रिया होती है। अगर अभी अगर हम लोग कोई भी चाहते हैं प्रक्रम स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक हो तो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक होना चाहिए, ऊष्मा क्या होना चाहिए बच्चों उसके अंदर, एक्सोथर्मिक होना चाहिए उसके अंदर ऊष्मा क्षेप होगी तथा अक्रमता जो ऑर्डर होता है वो डिस्टर्ब होना चाहिए। बात समझ आएगी बच्चों। उसके बाद में अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 25 है CO2 के मानक एंथैल्पी। अगर हम लोग CO2 की हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें तो क्या होगा बच्चों, आपको पता सबसे ज़्यादा मानक एंथैल्पी किस में होती है, CO2 तथा O2 के मानक है मोलर एंथैल्पियों में योग के बराबर नहीं, डी वाला इसके अंदर होगा कार्बन ग्रेफाइट के मानक मोलर देन, सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग जो होती है आपकी वो ग्रेफाइट के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 26 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 26 क्वेश्चन है आपका के धनात्मक मान से प्रकट होता है कि ये के धनात्मक मतलब अगर डेल एस मतलब एंट्रोपी के धनात्मक मान से प्रकट होता है कि डेल एस का मान अगर धनात्मक होगा तो क्या होगा भैया, डेल एस का मान धनात्मक का मतलब मैंने बता चुका हूँ आपको कि जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी पॉजिटिव उतना ज़्यादा होगा, तो यूँ कह सकते हैं निकाय में अधिक व्यवस्था होने को दर्शाता है ये। ठीक है, निकाय कम है अधिक अव्यवस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संबंध ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम को दर्शाता है, सब जानते हैं पढ़ रखा है, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन 26 होगा, सेम रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, डेल एस का धनात्मक प्रकट होता है, निकाय अत्यधिक व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए अगला चलिए क्वेश्चन, उसके बाद में 30 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 है डेल एस का धनात्मक मान से प्रकट होता है, डेल एस का धनात्मक मान से ये वापस वही क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन देखो ना, शुष्क बर्फ CO2 गैस प्रक्रम के लिए, अभी आपको बताया यहाँ शुष्क बर्फ मतलब ठोस CO2 को तो बोलते हैं, सॉलिड CO2 का सॉलिड ले ले हम लोग तो उसको कहते हैं, अब मुझे बताओ व्यवस्था बढ़ रही है घट रही है, व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यूँ कि ध्यान रखना आप लोग डेल एच का मान क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा और डेल पी का मान क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है किस प्रक्रम के लिए एंट्रोपी नहीं बढ़ती है, एंट्रोपी नहीं बढ़ती है बच्चों सिंपल सी बात है, जब एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी वजह क्या है कि जो चीज़ आराम से घुल जाती है जैसे विलयन में सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण, सुक्रोज का अगर हम लोग घोलते हैं तो क्या होता है एक टेम्परेचर के बाद में इसमें क्या होता है क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो इस टाइम पे एंट्रोपी घटती है बढ़ती नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको पता है लोहे के अंदर जंग लगना है सॉलिड फॉर्म होता है तो एंट्रोपी में फर्क होता है, बर्फ का जल में बनना, बर्फ जब जल में कन्वर्ट होता है तो आपको ये मालूम है कि जब बर्फ सॉलिड होता है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज होगी। कैम्फर आपको पता है नौसादर को कहते हैं, अगर इसका वाष्पीकरण कराएंगे तो उदरपतन होता है, सॉलिड से सीधा कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो अव्यवस्था बदल रही है, लेकिन इसके अंदर विलयन पहले से ही सुक्रोज का क्रिस्टलीकरण होता है इसमें व्यवस्थाएं का कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं बच्चों इसमें एंट्रोपी नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका जब ठोस पिघलता है तो आपको पता है जब ठोस पिघलता है तो क्या होगा बच्चों, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, सॉलिड से एंट्रोपी बढ़ जाती है लेकिन उसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना एंथैल्पी कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 33 कौन सा स्वतः प्रक्रम है, देखो बच्चों स्वतः प्रक्रम की बात करें, स्वतः प्रक्रम नहीं है, नमक का जल में घुलना आसानी से अपने आप घुल जाता है, बर्फ भी अपने आप पिघल जाता है, निर्वात में गैस का प्रसारण अपने आप हो जाता है, लेकिन गैस निम्न दाब से अगर उच्च दाब पर आपको लेके जानी है तो क्या होगा बच्चों, इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतः प्रक्रम की बात करें तो वो होता है जो बिना किसी साधन के होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ते तो नीचे गिरती है, ये स्पॉन्टेनियस है, पानी हमेशा अपर लेवल से लोअर लेवल जाता है ये स्पॉन्टेनियस है, हीट ज़्यादा से कम की तरफ जाती है स्पॉन्टेनियस है, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है जिसमें आपको अलग से एनर्जी देनी पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन 34 ये आपका यदि एक आदर्श गैस समीकरण गैस के उत्क्रमण या समतल प्रक्रम हेतु कार्य करना गणना जूल में की जाती तो आयतन को निम्नांकित अभिव्यक्ति में, तो इसको सब में दर्शा सकते हैं हम लोग, केवल सेंटीमीटर में भी कोई किसी को किसी में भी कोई भी इकाई में ले सकते हैं इसको, सब वैलिड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ये रहा हेस का नियम वस्तुतः अनुप्रयोग होता है, हेस का नियम क्या कहता है कि अभिक्रियाएं एक से ज़्यादा अगर स्टेप में होती हैं तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो सबके योग के बराबर होती है, और हम लोग ऊष्मा गति के जो प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ये ऊष्मा गति फर्स्ट डिपेंड करता है आपका हेस का नियम,
क्वेश्चन नंबर आप 36 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंट्रोपी का निरपेक्ष मान के निर्धारण हेतु ऊष्मा गति का कौन सा नियम लागू होता है? अगर आप लोग निरपेक्ष की बात करें तो इसमें आपका ऊष्मा गति का तृतीय नियम लागू होता है, बच्चों याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग इसके आगे चलते हैं तो 30 आपका आ जाएगा बच्चों, 37। एक रासायनिक अभिक्रिया में अचर ताप पर अचर दाब पर आदान प्रदान की गई ऊष्मा को हम लोग कहते हैं, अचर दाब मतलब होता है ये आपका, अचर मतलब होता है आपका ये कि वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो, तो उसकी बात करें तो इसके अंदर एंथैल्पी जो होती है बच्चों, उस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कथनांक, अगला क्वेश्चन है कथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प के साथ साम्यावस्था में है, दोनों प्रावस्था में अणुओं की समानता होगी, अणुओं की समानता होगी साम्यावस्था में, तो बच्चों उसकी जो समान होती है वो गति ऊर्जा समान होती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है किसी पिंड के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाना तो कहलाती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा, सॉरी ऊष्माधारिता, लेकिन ये कहता है आपका 1 ग्राम, अगर पिंड का मान भी 1 किलोग्राम होता है उसका ताप भी हम लोग 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो कहलाती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। जब पदार्थ की वैल्यू उसका वजन डिफाइंड नहीं होता उसको हम लोग ऊष्मा धारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर एंट्रोपी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एंट्रोपी की बात कर रहे हैं बच्चों, आपको बताएं एंट्रोपी आपका क्या है, मात्रात्मक गुण है, तो यूं कह सकते हैं बच्चा अवस्था फलन भी होता है, तो ये क्या है विशेष गुण, इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ खास क्वेश्चन और हैं, जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन और दिया था वो था उदासीनीकरण ऊष्मा के, बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे कि सर उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में आप क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर कोई भी आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से कोई भी अभिक्रिया अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ में होती है और कोई लवण बनता है, तो ध्यान रखना बच्चों, आप ध्यान रखना इसकी जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है, उदासीनीकरण एंथैल्पी होती है, वो होती है आपकी 57.33 केल्विन किलो कैलोरी होती है, ध्यान रखना बच्चों इतनी होती है। अब अगर मान लीजिए प्रबल विद्युत घट्टे मान लो इसके अंदर आपको, लेकिन अगर इसके अलावा अगर प्रबल हम दुर्बल क्षार, दुर्बल हम प्रबल क्षार के साथ में होती है, तो फिर इसका मान जो होता है बच्चों वो इससे कम होता है। बात समझ आ गई बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। अगले लेक्चर के बाद में हम लोग मिलेंगे फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तब तक के लिए हम लोग बात करेंगे बच्चों। यहाँ मैं आपको एक संदेश और देना चाहूँगा, आज 15 अगस्त है बच्चों, और मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। और एक बात और ये है कि हम लोग ये चाहें कि हम लोग वो कोशिश करनी कि हम लोग जैसे जैसे बड़े हों और हमारी फ्यूचर में जब हम लोग कामयाब आदमी बन जाएं, तो इस देश को एकता और अखंडता में बनाए रखें, इस देश के अंदर जो सांप्रदायिकता है उसको हम लोग कम करें, और हमारा जो वतन है, हमारा जो देश है, वो फले फूले, और इस देश के अंदर हर एक युवा अपने रोजगार को पाले और हर एक युवा जो सपना है अपना पूरा कर ले, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार फिर आपको जो है शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। ये हमारे पास में हमने चैप्टर कर लिया थर्मोडायनेमिक्स, अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चों, जिसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग पहले उसके बारे में, उसके बाद उसके लेक्चर के बारे में। ओके बच्चों, थैंक यू।